हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल चैप्टर की। एंड ये जो लेक्चर है, ये दिस इज प्रेजेंटेड बाय एसवाई एकेडमी। और इट इज ये जो लेक्चर है जनरल साइंस का है, प्रेजेंटेड बाय एसवाई एकेडमी। मैंने यहाँ पे एनिमल सेल और प्लांट सेल के डायग्राम बना रखे हैं। अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम इसे बाद में थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे। बट मैं ये आपको डायग्राम बार बार दिखाता रहूंगा बार बार, जिससे ये चीजें आपके मन में बस जाए। मेरे हिसाब से ये डायग्राम ही पूरे चैप्टर का कवरेज है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये सेल क्या होता है ना, सेल तो जैसे बिल्डिंग है आपकी कोई भी, और उस बिल्डिंग के बाहर आप देखें तो बहुत अच्छी सी दिखती है, ऐसी हमारी ह्यूमन बॉडी है। लेकिन अगर बिल्डिंग के अंदर हम थोड़ा सा खो दें और थोड़ा सा डीप में जाएं, तो हमें ब्रिक्स मिलेंगी, दीवारें मिलेंगी। ठीक है, अंदर जो है हमें ब्रिक्स मिलेंगी, दीवारें। ऐसे ऐसे ही ये ब्रिक्स जैसे है ना, वैसे ही सेल है। अगर हम अंदर खोदते हुए जाएं तो बेसिक यूनिट जो है वो हमारी जो है सेल है, हमारे ह्यूमन बॉडी की। जैसे बेसिक यूनिट किसी बिल्डिंग की ईंट होती है, ब्रिक या ईंट जो भी आप कहना चाहें, वैसे ही हमारी बेसिक यूनिट ह्यूमन बॉडी की सेल है। तो सेल मे बी कंपोज टू मे बी कंपेयर टू ब्रिक्स, एंड ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक बिल्डिंग। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल टू मेक बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे ब्रिक्स को जोड़कर एक बिल्डिंग बनती है, वैसे ही सेलों को जोड़कर एक बॉडी बनती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, या कभी दो नंबर एक नंबर का क्वेश्चन आए, तो ये रही डेफिनेशन। और आपको सबसे पहले यही चीज लिखनी है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज द फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक किसी भी ऑर्गेनिज्म का कुछ बेसिक चीज है ना, सबसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर जिसपे सब कुछ बेस्ड है, वो है सेल। इसीलिए सेल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और ये आपकी जैसे दीवारें हैं, दीवारों के अंदर ईट है, वैसे ही अगर आप ह्यूमन बॉडी में देखें और या किसी ऑनियन को देखें माइक्रोस्कोप से, तो आपको ये सेल दिखेंगे दोस्तों। ये सेल है आपके, ये जो गोलू गोलू से दिख रहा है, कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में क्या है? ये बहुत सारे जो गोलू गोलू से दिख रहे हैं, कोई अगर बता सकता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज हम इस वीडियो में तो डिस्कस करेंगे। काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है, और वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट हुक साहब ने सेल की डिस्कवरी करी थी। ही सॉ दैट कॉर्क रिसेम्बल द स्ट्रक्चर ऑफ ए हनीकॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। तो इन्होंने डिस्कवरी करी थी 17वीं सदी में। कितनी पुरानी बात है, कितनी पुरानी बात है ना, 17वीं सदी की। इस टाइम तो भारत में अगर हम देखें तो किसी और का रूल चल रहा था, राइट? इस टाइम में तो औरंगजेब का रूल चल रहा था भारत में। तो इतनी पुरानी बात है, उस टाइम में रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवरी करी थी। तो सिंग आपके ऑर्गेनिज्म जो हैं दोस्तों, दो तरीके के हो सकते हैं, सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करते हैं, जो एक ही सेल से ऑर्गेनिज्म बने होते हैं। तो एक ही सेल जो होता है ना, वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म होता है ऐसे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल है इसके अमीबा, बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लामाइडोमोनास भी इसका एग्जाम्पल है, पैरामीशियम भी एग्जाम्पल है, और काफी बैक्टीरिया भी इसके एग्जाम्पल है। एंड काफी ये ऑर्गेनिज्म जो है इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि ये सिंगल सेल से बने हुए हैं। यूनि मतलब सिंगल, ठीक है। एग्जाम्पल ये रहे अमीबा आपका, ये रहा, एग्जाम में भी आप ऐसे ही बना के आ जाएंगे, पैरामीशियम ये रहा। दोस्तों जब भी मौका मिले डायग्राम जरूर बना के आए, एग्जाम में मार्क्स आपको अलग लेवल के मिलेंगे। और इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहे, दो बहुत ईजी सा डायग्राम है, लेकिन हमसे इतना अच्छा बनता नहीं है, तो प्रैक्टिस लगती है, और प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी या फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बहुत सारे सेल जुड़ जाते हैं, और ये किसी स्ट्रक्चर का शेप ले लेते हैं, और ये कोई फंक्शन बना करते हैं। बहुत सारे सेल जुड़ जाते हैं और ये एक फंक्शन करते हैं। ऐसी बहुत सारे सेल्स और ये कॉम्बिनेशन जब बनते हैं, तो पूरी ह्यूमन बॉडी या पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म दोस्तों बन जाता है। और सेल जो है जब ग्रुप होते हैं, तो
डिफरेंट फंक्शन करते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स डिफरेंट फंक्शन कहते हैं, इसे डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। मतलब सेल्स है तो सब देखने में सेम, लेकिन जब वो जुड़ते हैं तो दे एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका हाथ अलग काम कर रहा है, दिमाग अलग काम कर रहा है, कैसे कर रहा है? सेल सबके अंदर सेम है दोस्तों। आप सरप्राइज हो जाएंगे ये सुन के दोस्तों कि आपके में और बाकी सारे एनिमल्स में सेम तरीके के सेल हैं, आप में, हाथी में, लायन में, राइट। आप प्लांट्स में थोड़े अलग हैं, उनमें सेल वॉल होती है, हमारे में सेल वॉल नहीं होती, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट सेम है। दोस्तों सेल सबके सेम है, लेकिन देखिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बन चुके हैं, तो कितना कॉम्प्लेक्स बात है और कितनी फंडामेंटल ये भी बात है कि सबके सब ऑर्गेनिज्म दुनिया में, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब में सेल है। ठीक है, इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपको एक मुर्गी का अंडा जो होता है, क्या वो एक सिंगल सेल है या ग्रुप ऑफ सेल्स है? कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। दोस्तों इसका आंसर है वो एक सिंगल सेल है, एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय एन अनएडेड आई। जो एक अंडा है वो सिंगल सेल है, उससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पैदा होगा। ठीक है, वो सिंगल सेल है एग। ठीक है, जब कभी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो सिंगल सेल कैसे है। सबसे बड़ा सेल दुनिया में अगर कोई है तो इसी से वो निकल आता है, वो है ऑस्ट्रिच का एग। मैंने एक बार देखा था, मेरे क्लास 10th में सर ने दिखाया था, याद है AK अग्रवाल सर थे, उन्होंने दिखाया था। और आप भी कभी देखिए, कभी मौका मिले तो, ऑस्ट्रिच का अंडा, शतरमुख का अंडा सबसे बड़ा सिंगल सेल है। ये भी क्वेश्चन कभी आए तो आपको याद होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कितने सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी में, बेसिक क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके, बिलियंस एंड ट्रिलियन, अनकाउंटेबल दोस्तों। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप एंड साइज, बहुत सारे सेल्स हैं, सबका शेप साइज अलग अलग है। अब और क्वेश्चन आ रहे होंगे, उन क्वेश्चन के आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। अमीबा जो सेल है, जो हमने सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखा, उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, उसकी को हैज नॉट डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स। जैसे ह्यूमन की तो कोई शेप है ना सबकी, अमीबा की तो कोई शेप ही नहीं होती, इसलिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग डायग्राम दिखेगा। व्हाइट ब्लड सेल जो हमारे ब्लड में होता है, ये फाइट करने में हेल्प करते हैं दोस्तों, इम्यूनिटी अगर ज्यादा, व्हाइट ब्लड सेल आप में ज्यादा होने चाहिए। हाँ, अगर टेस्ट में आपके WBC ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको इन्फेक्शन है, क्योंकि बॉडी ने नेचुरली WBC बढ़ा दी है और वो फाइट कर रही है। चलिए, ये चीजें भी बार बार बोलना से ये रहता है कि कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा करना मेरा पर्पस वो है। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों WBC जो है ह्यूमन बॉडी में, वो भी एक सिंगल सेल है, विच विच कैन चेंज इट शेप, ये याद रखिए, उसकी शेप फिक्स नहीं है। जनरली सेल्स आर राउंड एंड स्फेरिकल इलॉन्गेटेड, जनरली ये कुछ कुछ जो एक्सेप्शंस हैं एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि WBC अपनी शेप चेंज कर देता है। ये देखिए, ये है सेल्स की शेप, ये आपको स्फेरिकल जो दिख रहे हैं ना दोस्तों, लाल लाल से, ये रेड ब्लड सेल है, RBC, RBC हीमोग्लोबिन, यही कैरी करते हैं, इसी से आपको कलर भी आ रहा है आपका। फिर ये जो शेप है ना, ये मसल के सेल है, मसल्स में जो सेल होते हैं ना दोस्तों, ये वो है। और ये जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा तो सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन ये नर्व सेल है, नर्व एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ऐसे, इनको न्यूरोन वगैरह भी बोलते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये नर्व सेल है, नर्व सेल है, नर्व, बहुत सारे नर्व सेल से इसी से ट्रांसमिट होते हैं सारे सिग्नल, कि आपके दिमाग से, लेट से आपके हाथ को, या मैं जब बोल रहा हूँ ना, तो ये नर्व सिग्नल से सिग्नल पास हो रहे हैं बड़े फास्ट फास्ट। तो देखो कैसी चल रही है यार ह्यूमन बॉडी, कभी कभी सोच के अजीब सा लगता है। नहीं, साइज ऑफ सेल्स, साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ ए मिलीमीटर, मतलब माइक्रोमीटर या माइक्रोन जितने छोटे हो सकते हैं, जिसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऑस्ट्रिच का अंडा इतना बड़ा होता है, और कुछ कुछ तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया, द लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जो इतना बड़ा होता है, आपको बता चुका हूँ। तो छोटा सेल भी आपको पता चल गया कि छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। द साइज ऑफ सेल्स हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल। कहीं आप सोच रहे हो भाई हाथी का सेल बड़ा होता है, चींटी का सेल छोटा होता है ना, या हाथी का सेल बड़ा, अर्थवर्म का सेल छोटा, ये गलत आंसर हो जाएगा। कभी आपका MCQ आ जाए, और ट्रिक करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इवन इंटरव्यूज में भी पूछते हैं, तो ये याद रखना है दोस्तों कि साइज ऑफ एनिमल पे डिपेंड नहीं करता। तो आप बोलोगे किस पे डिपेंड करता है, चलिए देखते हैं। तो वही स्टेटमेंट लिखा है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट मे बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट, द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। लिख दो नोट्स में कि साइज जो है वो फंक्शन पे डिपेंडेंट होता है। जैसे नर्व सेल्स,
हाथी चूहे में बहुत इलॉन्गेटेड और लार्ज होते हैं, ठीक है? जैसे ये जो है ना सेल, हाथी में भी ऐसा दिखेगा, चूहे में भी ऐसा दिखेगा दोस्तों, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है समझना। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस, जो नर्व सेल है, ठीक है? तो इसका मतलब फंक्शन पे डिपेंडेंट है। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल, हाउ? अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हैं। देखो हम भी दोस्तों सिंगल सेल से बने हैं, एग फीमेल से, स्पर्म मेल से, वो दोनों जुड़े, एक और कुछ बना, राइट? और ऐसे डिवाइड होता गया, ऐसे डिवाइड होते गए और सेल बने, एंड ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सेल्स डिवाइड होते हैं, नए सेल्स बनते हैं। माइटोसिस मियोसिस करके दो प्रोसेसेस होती हैं जिसको हम पढ़ेंगे आगे चल के। ऐसे सेल डिवीजन होता है। ईच सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सब सेल्स के दोस्तों कुछ डिफरेंट फंक्शन होते हैं। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस, थोड़ा सा इसको देखेंगे। ईच सेल हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनलीज। तो आपका जो सेल होता है ना उसके अंदर भी और काफी सारी चीजें होते हैं जिसको सेल ऑर्गेनलीज या ऑर्गेनलीज भी कहते हैं। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनली परफॉर्म्स अ स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। तो आपके जो सेल होते हैं उसके अंदर ऑर्गेनलीज होते हैं जैसे न्यूक्लियस, जैसे सेल वॉल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत अलग अलग होते हैं जिससे प्रोटीन बनता है, जीन बनता है, क्रोमोसोम, जीन पास हो रहे हैं, वेस्ट क्लियर हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और ये क्वेश्चंस भी आते हैं। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनलीज। तो मैं आपको जो फोटो में दिखा रहा था सेल के अंदर, वो सब ऑर्गेनलीज थे। इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनलीज। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज, व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड, तो सबके अंदर ऑलमोस्ट सेम ऑर्गेनलीज होते हैं, ठीक है? कुछ कुछ प्लांट और एनिमल में डिफरेंस है, फिर कुछ कुछ बैक्टीरिया फंगाई इन सब में डिफरेंसेस कुछ कुछ होते हैं। सेल वॉल अलग अलग तरीके से बनी होती है, वो हम थोड़ा सा डिटेल जब लेक्चर देख रहे होंगे तब पढ़ेंगे। यहाँ पे तो हम प्लांट और एनिमल सेल में ही फर्क देखेंगे, लेकिन ऑर्गेनली आपको सब में ऑलमोस्ट सेम ही देखेंगे दोस्तों। अब आप पूछोगे किससे बना है सेल, सेल है ना, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल। तो सेल में तीन मेन चीज होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। या साथ साथ फिर से बोलो मेरे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं, ये मैं फोटो बार बार आपको दिखाता रहूंगा जिससे आपके दिल में बस जाए और आप अच्छे से एग्जाम में भी लिख के आओ। तो दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है, पहले तो इसको लिख लो। तो ये जो बाहर की चीज है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो ये एनिमल सेल है, बी वाला जो है ना येल्लो में जो बना हुआ, ये एनिमल सेल है दोस्तों। लेफ्ट वाला जो है ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल एनिमल सेल में सबसे बड़ा फर्क तो देखिए, देखो ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? और प्लांट में इसके बाहर भी एक चीज होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं, CW, सेल वॉल, ठीक है? एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। ये रहा सेल वॉल, याद रखना सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है, ठीक है? तो सेल को जो कवरिंग है उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में होती है। सेल वॉल किस में होती है, प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती। आगे चलते हैं, तो प्लाज्मा एंड सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बाहर के एनवायरनमेंट से जो सेपरेट कर रहा है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउस और परमिट्स द एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है सेल मेम्ब्रेन का, कि कुछ चीजों को अलाउ करो अंदर आना, कुछ चीजों को अलाउ करो बाहर जाना, और कुछ कुछ चीजों को अलाउ मत करो। ये भी है, मतलब कुछ अगर इसको लग रहा है कि ये सही नहीं है तो उसको अलाउ नहीं करेगी। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। द सेल मेम्ब्रेन इज देयर फॉर कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों बोल रहे हैं सिलेक्टिवली, तो ये सिलेक्टिवली एंट्री अलाउ करती है, हर किसी की एंट्री अलाउ नहीं करती सेल के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स जो होते हैं वो फैट्स को बनाते हैं,
तो फैट्स को तोड़ो तो लिपिड्स ही मिलते हैं, तो सेल सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई है। अब एक प्रोसेस को हम देखेंगे जिसको डिफ्यूजन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। सम सब्सटेंसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इससे अंदर बाहर आपकी ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। रेस्पिरेशन ऐसे ही होता है, ऑक्सीजन अंदर गई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई। ऑक्सीजन अंदर क्यों गई? ऑक्सीजन अंदर इसलिए गई क्योंकि सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। तो आपकी O2 प्लस प्लस कुछ हुआ X प्लस E एनर्जी बनी प्लस CO2, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ये एनर्जी आपके लिए जरूरी है, इसलिए आपकी अगर सांस रुक गई, आपने ऑक्सीजन लेना बंद कर दिया तो आप मर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी, आपका ये बेसिक फ्यूल है, आप बंद हो जाओगे, है ना, उस टाइम के लिए। तो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, एयर इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या पता आप एयर ले रहे हो लेकिन एयर में ऑक्सीजन नहीं है तो भी जिंदा नहीं रह सकता कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं। और ये जो अंदर बाहर जा रही है सेल की, ये डिफ्यूजन के थ्रू जा रही है। डिफ्यूजन डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो सेल के अंदर अंदर भी डिफ्यूजन चलता है, मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनलीज है उनके अंदर भी डिफ्यूजन चलता है, और सेल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में भी डिफ्यूजन चलता है। अब एक वर्ड देख लेते हैं, ऑस्मोसिस। दोस्तों आपने पढ़ा होगा आरओ, आरओ में रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, जो आपके घर में शायद लगा हुआ हो, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा लेकिन ऑस्मोसिस थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो वाटर मॉलिक्यूल जब मूव कर रहे हैं ना दोस्तों, तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी मेम्ब्रेबल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसेंट्रेशन। तो जैसे हवा दोस्तों हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चलती है, ऐसे ही वाटर या कोई भी सब्सटेंस हायर कंसेंट्रेशन में जा होता है वहां से लोअर कंसेंट्रेशन में जाता है, ठीक है। और हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जो जा रहा है इसको ऑस्मोसिस कहते हैं प्रोसेस। और ये जो लेयर है जिसके थ्रू जा रहा है ना, ये सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन है कोई, तो हायर से लोअर में। तो अगर सेल के बाहर वाटर का हायर कंसेंट्रेशन होगा और अंदर कम होगा तो अंदर मूव करेगा, अगर सेल के अंदर हायर कंसेंट्रेशन हो जाएगा वाटर का तो बाहर मूव करेगा। इससे फायदा ये रहा कि सेल में भी बैलेंस बना रहा। यही यहाँ पे समझाया गया है कि इक्वलाइज इज द कंसेंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशंस। तो ऑस्मोसिस ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव, सॉल्वेंट मतलब जैसे वाटर, तो जैसे वाटर है, वाटर के अंदर थोड़ा सा नमक भी है, लेट्स से सॉल्ट, तो सॉल्ट को सॉल्यूट कहते हैं, वाटर को सॉल्वेंट कहते हैं। जो मेजोरिटी होता है लिक्विड होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, सिंपल टर्म्स में ये समझ लो। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट मूव, द मूवमेंट इज थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। और डिफ्यूजन में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स दोनों मूव करते हैं, मूव टू इक्वलाइज कंसेंट्रेशन, नॉट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व। इसमें कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, और ऑस्मोसिस में आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है तो इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों मूव कर रहे हैं टू इक्वलाइज कंसंट्रेशन एंड इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशन। दस ऑस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जब भी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है तो ऑस्मोसिस है। व्हाट विल हैपन इफ यू पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर? तो क्या होगा अगर आपने सेल को किसी सॉल्यूशन में रख दिया और वो सॉल्यूशन किसका है, शुगर या सॉल्ट का है? तो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो आपने अगर किसी सेल को पानी में रख दिया जिसके अंदर H2O है पानी, तो ये वाटर अंदर जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस, एंड इसी के थ्रू पानी भी पीते हैं आपके प्लांट्स। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। नहीं होनी तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। कोई डाउट हो लेक्चर के बाद या बीच में भी कमेंट सेक्शन में आप सारे क्वेश्चंस पेस करिए।
फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू एनेबल द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन फूड एनगल्फ इट इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो जो खाना है ना सेल, वो भी ऐसे ही खाता है कि बाहर से अंदर खींच लिया। अमीबा जो है ना, वो आपका ऐसे ही खाना खाते हैं, और उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। मतलब एंडो मतलब सेल ने कुछ लिया, एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल ने कुछ बाहर निकाला, एंडोसाइटोसिस। तो अमीबा अपना जो खाना है वो एंडोसाइटोसिस से खाता है, ठीक है। अब आपकी सेल वॉल को थोड़ा सा देख लेंगे। फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, याद रखो। और सेल वॉल सेकंड चीज, ये बाहर वाली जो चीज है इसे सेल वॉल कहते हैं, अंदर वाली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं प्लांट में, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया प्लांट में ऐसा क्यों है ही क्यों, चलिए इसे भी समझेंगे। तो प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो हैव रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? इट्स अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। तो सेलुलोज की बनी हुई होती है प्लांट की सेल वॉल। सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट्स फंगी एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग। तो पानी आपने खूब सारा डाल दिया प्लांट में, तब भी प्लांट नहीं बढ़ता क्योंकि उसके पास सेल वॉल है, वो ज्यादा पानी अंदर नहीं आने देता। अदरवाइज तो आपने ज्यादा पानी डाल दिया तो आपके तो प्लांट्स ही मर जाए। जस्ट एक एग्जाम्पल, किसी एनिमल को आपने पानी में डाल दिया, तब तो वो एनिमल मर जाता है ना। और बहुत सारे रीजन होते हैं, एक रीजन ये भी है कि उनमें सेल वॉल भी नहीं है ना, सेल वॉल भी नहीं है। तो आपके सेल नहीं फट रहे, मतलब आपके सेल सॉरी फट रहे हैं, फट सकते हैं अगर आप एनिमल एनिमल सेल की बात करें तो। लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल, सेल आपका नहीं फटेगा, क्यों? क्योंकि आपके पास सेल वॉल है। जस्ट टू बी क्लियर, शायद मैंने वर्ड्स थोड़े इधर उधर करे हो कभी। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और वो खूब सारे पानी में रह सकता है क्योंकि ये सेल वॉल जो है पानी को अंदर नहीं आने देती। एनिमल सेल में जो है वो सेल वॉल नहीं है, तो वो पानी में ज्यादा इस विदस्टैंड नहीं कर सकता। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। तो देखो दोस्तों, आंधी तूफान या कुछ हाई टेम्परेचर या ठंड हुई तो आप तो या एनिमल्स तो कहीं छुप जाते हैं भाग के, प्लांट्स तो मूव ही नहीं कर सकते, एक ही जगह रहते हैं। तो प्लांट्स को हार्श हार्श एनवायरनमेंट सहन करना पड़ता है, इसीलिए सेल वॉल आउटर कवरिंग है जो प्लांट्स को हाई विंड स्पीड एक्सटर्नल हाई लो टेम्परेचर और एटमोस्फेरिक मॉइस्चर से बचाती है। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव, मूव कर नहीं सकते, इसलिए सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का वो है न्यूक्लियस, और शायद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब शायद बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, मैं बार बार ये फोटो दिखा रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। तो ये है न्यूक्लियस दोस्तों, ये है न्यूक्लियस बाहर वाला, ये तो सेल मेम्ब्रेन है, ये है न्यूक्लियस, ओके। और अगर आप देखें तो प्लांट्स में भी ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। तो ये आपका सेल में जो गोलू गोलू थे ऑनियन के सेल में, वो भी न्यूक्लियस थे, ठीक है, जो दिख रहे थे, राइट। ये बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो अंदर वाला है इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। ये जितना भी बचा है ना सब साइटोप्लाज्म है दोस्तों, अंदर अंदर का। तो ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, और अंदर वाला क्या हुआ, ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म। तो प्लांट में भी होता है साइटोप्लाज्म, एनिमल्स में भी होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बार नजर मारेंगे दोस्तों हम ये डायग्राम पे जो बड़ा ही खतरनाक सा है ना। तो ये आपका गोल्गी अपरेटस है, मैं इस डायग्राम पे करता हूँ प्लांट का, ये जो प्लांट सेल का डायग्राम है दोस्तों, उस डायग्राम पे आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। तो लाइजोजोम है आपका, ये रहे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ में दोस्तों आपको डॉट डॉट से दिखेंगे जो प्रोटीन बनाते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट ये से प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। न्यूक्लियस तो दोनों में होता है, एनिमल्स प्लांट दोनों में,
ये गोल्गी एपरेटस है, ये रहा गोल्गी एपरेटस। ये न्यूक्लियर एनवलप जो प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, मैंने आपको आउटर वॉल पहले बता दी है। ये सेल वॉल है, सेल वॉल, सेल वॉल बाहर वाली, ठीक है, सेल वॉल। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके अंदर आपका रेस्पिरेशन होता है। और ये राइबोसोम्स है जो प्रोटीन बनाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर देता है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो आपका सेल मेम्ब्रेन सीएम, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये तीन मिलके आपका सेल बनता है, राइट। न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आपका न्यूक्लियस प्रोटेक्टेड होता है डबल लेयर मेम्ब्रेन से, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं जिससे मटेरियल इन एंड आउट हो सकता है आपके न्यूक्लियस से। तो ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, और यहां से बाहर अंदर बाहर जा रहा है सामान, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियस है, एंड बाहर जो है ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये सेल के अंदर की बात हो रही है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी मटेरियल ट्रांसफर हो सकता है थ्रू दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कैसे, वहां पे पोर्स होते हैं, तो वो भी सेमी परमीएबल टाइप की एक एक वॉल कह सकते हो आप, है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं दोस्तों, विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। तो क्रोमोसोम जनरली आपको माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखेंगे, लेकिन सेल अगर डिवाइड हो रहा है तो आपको माइक्रोस्कोप में दिख जाएंगे। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो क्रोमोसोम के अंदर इंफॉर्मेशन होती है इनहेरिटेंस की, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए में, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। सेल्स को कैसे पता चलेगा कि हमें क्या फंक्शन करना है, हमें क्या चीजें करनी है, उसको गाइड कौन करेगा, उसको गाइड करेगा डीएनए कि आपको करना क्या, आपको फंक्शन क्या करना है, कि भैया आपको नर्व सेल बनना है, आपको आरबीसी बनना है, आपको डब्ल्यूसीबीसी बनना है, ये सब डीएनए में छपा हुआ है। डीएनए कहाँ है, क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स कहाँ है, क्रोमोसोम जो है वो आपके न्यूक्लियस में। तो फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए जो है उनको जीन्स कहते हैं, वो चीजें क्लियर होती जा रही होंगी। जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो जीन है। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो जीन के थ्रू जा रही है। दिस मीन्स योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। तो ये डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, इसी के थ्रू जा रही है आप में इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सेल सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यूक्लियर सेल्स। तो ये आपका सेल होता है, ये दो में डिवाइड हो जाता है, इसमें न्यूक्लियस जो है वो आपका मेन रोल प्ले करता है। न्यूक्लियस के अंदर ही सारे क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स सब वही है। न्यूक्लियस इन एडिशन टू रोल इन इनहेरिटेंस ऑल्सो एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज। तो आपके सेल में जो एक्टिविटीज चल रही है वो न्यूक्लियस के थ्रू चल रही है। तो मतलब मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि आपके जो सेल का दिमाग है ना वो आपके न्यूक्लियस में है। ये चीजें आपको क्लियर कर देगा। तो सेल का दिमाग न्यूक्लियस में है। मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी ऑर्गेनेलीज डिटेल में पढ़ेंगे। मीनवाइल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर कर लूंगा, या मैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर दे दूंगा। थैंक यू, आयो और फीडबैक देना ना भूले।